आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। ग्राम सलखन में फलदार एवं औषधि से सजा हुआ नर्सरी 1 किलोमीटर तक अज्ञात द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया गया। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया जिले के कलेक्टर एवं वन मंडल अधिकारियों को वृक्षारोपण के लिए आदेश। छत्तीसगढ़ में आज 1 जून 2021 से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन राशि योजना लागू हो रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले के कलेक्टर एवं वन मंडल अधिकारियों को आदेश कर दिया है। दरअसल मामला जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण तहसील अंतर्गत घनी आबादी वाले गांव सलखन का है। ग्राम सलखन में विशाल वृक्षारोपण कर नर्सरी बनाया गया है। चारों तरफ फेंसिंग तार से घिरा हुआ नर्सरी है। वैसे भी जांजगीर चांपा जिला प्रदेश में सबसे अधिक गर्म तापमान वाला जिला है। बता दें आपको कि ग्राम सलखन में 3 बड़े क्रेशर व आसपास में कई फ्लाई एश ईट भट्टा संचालित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन राशि योजना आज 1 जून से लागू किया है। लेकिन ग्राम सलखन में लगे फलदार एवं औषधि से सजे नर्सरी को अज्ञात द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया गया है, जबकि वहीं पर नहर में रोजगार गारंटी योजना का कार्य प्रगति पर है। सबसे बड़ी बात कि अभी तक ग्राम पंचायत के सरपंच रामकृष्ण कश्यप ने अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट सूर्यनारायण थाने में दर्ज नहीं करवाई है। ग्राम सरपंच की इस खामोशी को वहीं जाने अगर इसी तरह खामोश रहे तो आग लगाने वाले का हौसला बुलंद होगा और बाकी के नर्सरी में आग लगने का खतरा बना रहेगा। वहीं गांव के उप सरपंच एवं ग्रामीणों ने इस घटना की जाँच की मांग की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आज प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन राशि योजना लागू कर रहे हैं और वृक्षारोपण के पौधों को नष्ट करने वाले अपराधियों की पत्थरसाजी कर कार्रवाई होता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ जानकी नगर राठौर से बालेश्वर का सत्य रिपोर्ट। तो यहाँ रोजगार गारंटी चला थे और जस्ट बगल में नर्सरी पौधा लगाया गया है, ओकर समक्ष होते हुए भी ये नर्सरी ले आग लगा दिए गए, जो अभी तक ग्राम पंचायत के नागरिक इनके उमा के पंच सरपंच उप सरपंच मतलब कोई जानकारी नहीं है। आम व्यक्ति जब ये मतलब बताई कि वहाँ नर्सरी में आग लग गया है तो ये कारण हमन अपन गांव के विकास ल देखे कारण हम यहाँ। अरे बहुत सारी दुखद वाली बात है कि हमारे गांव के जो नर्सरी जो है पौधा लगे है आम चीता बोई रमली नाना प्रकार के खाद्य प्रकार रखे है, तो ये तो मैं बोलता हूँ सरपंच वाले मुझे ध्यान देना चाहिए कि हमारे ही सुरक्षा के लिए पौधारोपण लगाया गया है। और मैं पंचायत से भी निवेदन करता हूँ इनका देखभाल अपन स्वतः करें और गांव के भविष्य आगे बढ़े। 2-3 साल पहले वृक्षारोपण के लिए सी ओ बी ओ बड़े बड़े अधिकारी मैंने यहाँ रही से वृक्षारोपण के कार्यक्रम में करा रही से कि हमारे गाँव ला अच्छा से ऑक्सीजन प्राप्त हो, इसी कारण वृक्षारोपण लगाया गया था। और इसमें सरपंच वगैरह कोई उप सरपंच पंच कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं पंचायत गांव के हर एक नागरिक से निवेदन करता हूँ कि वृक्षारोपण को बचाने की सलाह समिति अपना योगदान देते रहें। पहले खेती बाड़ी होते रही थी, पूरा तार में घिरा है और यह मतलब यहाँ पहले तो इसका एक रफ्तार उखार रही से, अब ये 5 साल हो के बाद अब पंचायत सपूर्द कर दिए गए, तो पंचायत से भी निवेदन करता हूँ कि ये बोले तो मालूम नहीं है कौन आग लगा है तेला। और ये तो मैं देखा था पूरा आग लग गया है, पूरा नर्सरी है फलखन ग्राम पंचायत फलखन के नर्सरी है। और कुछ दिन पहले ये शासन देखा रिसे और मोला जानकारी नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले ये अभी एला पंचायत ला दे दिए गए है और अज्ञात व्यक्ति द्वारा जला देला, मोला जानकारी नहीं है। और इमा तो अब मैं पूरा नर्सरी है एमा लगभग करोड़ों अरबों रुपये लगा है शासन हा, तो नुकसान ही मान के चलाएला। एमा आमा लगे है, बिही लगे है और जाम है, करही है और कौहा है आदि बोईरवा सब लगे पेड़ है। खाई योग्य मत मोला जानकारी नहीं है पंचायत द्वारा, मैं यहाँ उप सरपंच पति बोला था अमरनाथ कश्यप, मोला तो जानकारी नहीं है। और सरपंच हा तो हमारा 2 गुट में कर दिए गए तह करते का नहीं करे हमारा जानकारी नहीं कर विषय में, नुकसान ही है ग्राम सलखन ला। सरपंच ला तुरंत तत्काल थाना जाके FIR कराना चाहिए, सादा रिपोर्ट कम दर्ज कराना चाहिए। सरपंच पति रामकृष्ण कश्यप। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।